हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत होती है दिन के 11 बजे से, और अभी मैं आई थी गौशाले की तरफ गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत में काफ़ी लेट हो रही है, और अभी ना मैंने गाय भैंसों को पानी दे दिया है, और अभी यहाँ पर मौसम ना थोड़ा ख़राब होने लग गया है। वैसे तो चटक धूप लगी है, लेकिन साइड साइड से ना आसमान के काले काले बादल आ गए हैं। ऊपर की साइड से ना घनाघोर बादल आने लग गए हैं, और नीचे की तरफ को भी काले काले बादल आ चुके हैं। बाकी अभी तो धूप ही लगी है, तो देखते हैं। परसों आई थी बारिश, और फिर कब आती है। यहाँ पे ना मैंने सोनू को भी और सोनू की मम्मी को भी घास दे दिया है, और साथ में इनके लिए पानी भी रख दिया है, और गाय भैंसों को मैंने अंदर डाल दिया है, और बैल फिलहाल बाहर पे ही हैं हमारे घर पे। आज भी कुछ काम चल रहा है, तो आज ना हमारा कुछ सामान आया है, तो सासू जी लोग उसे लेने गए हैं। ऊपर शादी का सामान है, तो चलिए जी चलते हैं घर पे। अभी ना मैं भी जा रही हूँ रोड पे सामान लेने के लिए। तो दोस्तों, आज क्या सामान आ रखा है वो भी बता देती हूँ मैं। आज आ रखे हैं हमारे घर पे शादी के लड्डू। तो शादी के लड्डू वही वाले लड्डू हैं, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आज आ चुके हैं देवर जी के शादी के लड्डू, यानी कि मिठाई वगैरह, तो वही लेने जा रहे हैं। शादी में ना अब कम ही दिन बच रखे हैं, तो अपना धीरे धीरे सामान भी आने लग गया है। तो चलो फिर चलते हैं और देवर जी की शादी के लड्डू लेके आते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं ना पहुँचने वाली हूँ रोड पे, जहाँ पे कि ना गाड़ियाँ रखी है सामान की। तो इतनी चढ़ाई हो रही है ना, मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है। तो चलो चलते हैं। और ये ना हमारे घर को जाने वाली कच्ची सड़क है, और ऊपर पे है जहाँ पे पिलर दिख रहे हैं, वहाँ पे है हमारे घर की पक्की सड़क। तो चलो फिर और दिखाते हैं कौन कौन है यहाँ पे। तो दोस्तों, गाड़ी तो जा चुकी है, बट सासू जी लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखो। तो ये देखो, यहाँ पे सारा सामान उतर चुका है, और मैं जा रही हूँ अभी। तो दोस्तों, ये देखो, ये है सामान जिसको मैं ले जाना है। यहाँ पे हमारी बूढ़ी जी भी आ चुके हैं, तो ये देखो अभी ना इसको इस कट्टे में भरेंगे हम, देखो। तो दोस्तों, ये देखो हम ना आ चुके हैं मिठाई लेके, और सबसे भारी ले जा रहे हैं, देखो सासू जी। इनसे ना जाया भी नहीं जा रहा। मैं कम ले जा रही हूँ, और सासू जी ना ज़्यादा लेके जा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी। तो ये देखो, आ चुके हैं हम डब्बे लेके। तो दोस्तों, अभी ना बज रहे हैं शाम के 4, और आजकल ना हमारे गांव में वो क्या बोलते हैं, मतलब राशन मिल रही है, जो सरकारी गल्ला मिलता है ना, वही मिल रहा है। देखो, साथ में बर्फ भी गिरने लगी। तो जब यार मैं घर से आई ना, तब तो मौसम एकदम ठीक था, और अभी बारिश के साथ ना थोड़ा थोड़ा बर्फ भी आने लगी है। तो फटाफट से चलती हूँ कहीं, यार मैं फिर आ जाऊँ। और साथ साथ ना इतनी ज़्यादा तेज हवा हो रही है कि क्या ही बोले, तो पता नहीं यार अब मेरा क्या होगा। एक तो दुकान यहाँ से काफ़ी दूर है, और दूसरे में ये हवा, और तीसरे में ना बर्फ भी आ रही है साथ साथ में। तो ये देखो, क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राशन ना बहुत दिन पहले बढ़ चुकी है, और किसी कारणवश ना हम जा नहीं पाए। चलो फिर चलते हैं। अभी ना मैं दोस्तों ऊपर रोड पे पहुंच चुकी हूँ, और ये देखो यार, बारिश के साथ साथ ना इतनी तेज़ तेज हवा भी चल रही है, और साथ में ना बर्फ़ भी गिर रही है। तो फटाफट से चलते हैं, और काश कि ये बारिश ना थोड़ी सी रुक जाए, मेरे को जल्दी जल्दी से दुकान जाने दे। तो ये देखो, मौसम बिल्कुल खतरनाक हो रखा है। आ बोल, पकड़ दो, भाग। दौड़ 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 दौड़।
अभी।